तेलंगाना में 7 दिसंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान जोरों पर है। सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने दिग्गजों को मैदान में उतारा हुआ है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में बीजेपी को जीत दिलाने के मकसद से 2 चुनावी जनसभाएं की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने राज्य सरकार और अन्य विपक्षी दलों को कई मुद्दों पर घेरा। तेलंगाना में बीजेपी का झंडा बुलंद करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को महबूब नगर और निजामाबाद में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। राज्य सरकार को निशाने पर लेते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि तेलंगाना को बने 4.5 साल हो गए, लेकिन राज्य आज भी विकास को तरस रहा है। महबूब नगर की रैली में प्रधानमंत्री ने कहा कि तेलंगाना राष्ट्रीय समिति और कांग्रेस मिलकर परिवारवाद की राजनीति कर रहे हैं। विकास के लिए तेलंगाना बना, अन्याय के खिलाफ लड़ते लड़ते तेलंगाना बना, लेकिन इन्होंने आकर के खुद ने भी पहले से ज्यादा अन्याय करना शुरू कर दिया, विकास की बातें छोड़ दी और जातिवाद की राजनीति करने पर तुले आए। इससे पहले प्रधानमंत्री ने निजामाबाद में चुनावी सभा की। उन्होंने कहा कि तेलंगाना का निर्माण सालों के संघर्ष के बाद हुआ है, लेकिन राज्य सरकार जनता के साथ वादा खिलाफी करके लोगों के संघर्ष को बेकार साबित करने पर तुली है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की सरकार ने राज्य के नौजवानों और किसानों को तेज गति से विकास का भरोसा दिया था, जो पूरा नहीं किया गया। मुख्यमंत्री जी कहते थे कि मैं निजामाबाद को लंदन बनाऊंगा, स्मार्ट बनाऊंगा, लेकिन यहां तो बिजली, पानी, सड़क ऐसी सुविधाओं के लिए भी ये निजामाबाद के लोग तरस रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन लोगों को विकास और नए भारत के निर्माण में विश्वास है, उन्हें बीजेपी पर भी पूरा भरोसा है। उन्होंने विधानसभा चुनाव में जनता जनार्दन से मौजूदा राज्य सरकार को सबक सिखाने की अपील की। प्रदेश विधानसभा की 119 सीटों पर 7 दिसंबर को होने वाले मतदान के लिए 1821 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और वहीं बीजेपी ने राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसका नाम गौरव संकल्प पत्र रखा गया है। इस मैनिफेस्टो में राज्य के युवाओं के बड़े स्तर पर रोजगार मुहैया कराने की बात कही गई है। बीजेपी ने पार्टी के गौरव संकल्प पत्र को राजस्थान के भविष्य का रोड मैप बताया है। राजस्थान में बीजेपी के गौरव संकल्प पत्र में कई लोक लुभावने वादे किए गए हैं। राज्य में किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों को 108 आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा से जोड़ने की बात कही गई है। शिक्षित बेरोजगारों को जिनकी उम्र 21 साल से ज्यादा है, उन्हें 5,000 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया गया है। हर साल करीब 30,000 सरकारी नौकरियां देने के लक्ष्य के अलावा स्वरोजगार और निजी क्षेत्र में 50 लाख रोजगार सृजित करने का भी लक्ष्य रखा गया है। पार्टी ने सभी जिलों को आपस में जोड़ने के लिए 4 लेन का राजस्थान माला हाईवे बनाने का वादा किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि बीजेपी का गौरव संकल्प पत्र राजस्थान के भविष्य का रोड मैप बताता है। राजस्थान में बड़े नगरों का विकास और नगरों का विकास इस प्रकार से हुआ जो देश के बहुत कम राज्यों में हुआ है। इस बार जो ये इकोनॉमिक मॉडल, क्योंकि केंद्र में भी अपनी सरकार है और दोनों के संयुक्त प्रयास के साथ ये जो साधनों को गरीब तक पहुंचाना, हम लोग चाहते हैं कि देश में कोई ऐसा परिवार ना बचे जिस तक सरकारी साधनों का और उसके माध्यम से गरीबी उन्मूलन की जो योजनाएं हमारी हैं, गरीबी से मुक्ति प्राप्त करने की जो योजनाएं हैं, जो उसका लाभ उस तक ना पहुंच पाए। गौरव संकल्प पत्र जारी करते हुए मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने 5 सालों के कामों का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जनता से 665 वादे किए थे, जिसमें 630 यानी 95% वादों को पूरा कर लिया गया है। पिछले बार हम लोगों ने सुराज का संकल्प लेकर हमने करीबन 665 बिंदुओं
का एक घोषणा पत्र बनाया था। 665 बिंदु में से 630 बिंदुओं पर या तो कंप्लीशन हो गया है या कार्रवाई चल रही है। जो हमको डिटेल्स में अगर जाते हैं तो देता है 95%। राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों के लिए 7 दिसंबर को मतदान होना है। 2873 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इस बार 189 महिला उम्मीदवार राजस्थान के रण में अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं। 11 दिसंबर को वोटों की गिनती बाकी 4 राज्यों के साथ होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राजस्थान के चुनावी रण का रंग लगातार चोखा होता जा रहा है। सभी दल चुनाव प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आज जालौर, सिरोही, पाली में जनसभाओं को संबोधित किया। इसके अलावा उदयपुर में रोड शो भी किया। अमित शाह ने अपनी जनसभाओं में राजस्थान में पिछले 5 सालों में हुए कामों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 80 लाख घरों में शौचालय बनाकर राजस्थान की माताओं बहनों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार बीजेपी की सरकार ने दिलाया है। ये कहते हैं कि राजस्थान में एक बार कांग्रेस आती है, एक बार भाजपा आती है, एक बार भाजपा आती है, एक बार कांग्रेस आती है, एक बार कांग्रेस आती है, एक बार भाजपा आती है। राहुल बाबा, ये सारे मिथक तोड़ने का काम हमारा है, हम भारतीय जनता पार्टी वालों का है। और इस पर इस साल मैं डंके की चोट पर राहुल बाबा को बताना चाहता हूं कि इस बार राजस्थान में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। और मध्य प्रदेश विधानसभा की सभी 230 सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे। निर्वाचन आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। राज्य में 3 सीटों को छोड़कर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जा सकेंगे। राज्य में 5,03,00,000 से ज्यादा मतदाताओं को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना है। और इस पर और जानकारियों के लिए हम रुख करेंगे हमारे संवाददाता नविक्रम सिंह का, जो कि हमें भोपाल, जो कि भोपाल में है इस वक्त। नविक्रम सिंह, कल मतदान को लेकर क्या खास तैयारियां हैं राज्य में? स्मृति, कल मतदान को लेकर चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियां पुख्ता कर ली हैं, जहां बड़ी संख्या में सुरक्षा बल यहां पर मौजूद हैं। पिछली बार के मुकाबले कहीं ज्यादा सुरक्षा बल मौजूद हैं। इसके अलावा जो पोलिंग बूथ हैं, जो और मतदान केंद्र हैं, वो भी पिछली बार के मुकाबले ज्यादा बनाए गए हैं। साथ ही मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने कई कोशिशें की हैं। और जो सबसे बड़ी समस्या होती है चुनाव के दौरान, अर्बन एपैथी एक बड़ी समस्या होती है कि शहरी उदासीनता की वजह से जो वोटर है शहरों का, वो मतदान केंद्रों पर नहीं पहुंच पाता। इसके लिए बाकायदा डिजिटल सहारा लिया गया है, कई ऐप बनाई गई हैं जिससे पता चल सके कि कितनी लंबी क्यू है और कितना, तो इस तरीके ये जो मुहिम है इससे मत प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है। साथ ही जो संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथ हैं, करीब 6500 बूथ पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा 6500 से ज्यादा, करीब 6700 बूथ पर जो है कि सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। तो एक तरह से मतदान केंद्रों पर पूरी तरीके से पुख्ता तैयारियां की गई हैं। चुनाव आयोग की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान प्रदेश में हो। करीब 80% मतदान का टारगेट चुनाव आयोग का इस बार है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नविक्रम, हमारे साथ जुड़ने के लिए और हम तक वो तमाम जानकारियां पहुंचाने के लिए। और वहीं मिजोरम विधानसभा की 40 सीटों पर कल होने वाले मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सभी मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी आशीष कुंद्रा ने चुनावी तैयारियों और सुरक्षा प्रबंधों को लेकर संतोष जताया है। मिजोरम की सभी 40 सीटों पर चुनाव के लिए मैदान में 209 उम्मीदवार हैं। राज्य में विधानसभा चुनाव के नतीजे 11 दिसंबर को आएंगे।